चिन्हित धान खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है किसानों को, इसका जिम्मेदार कौन? आपको बताते चले कि त्योधर तहसील के अंतर्गत विभिन्न चिन्हित धान के केंद्रों पर आवश्यक रूप से जिला आपूर्ति निगम के प्रबंधक एवं उनके साथ रहने वाले सहयोगी संजय यादव द्वारा उन्हीं के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कराया जाता है, जहाँ से उनको आर्थिक लाभ नहीं मिलता है। जबकि विगत 28 तारीख से धान खरीदी केंद्र प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन संजय यादव टीम के साथ कुछ चिन्हित केंद्रों पर बार बार पहुंचकर किसानों के साथ डाटर पद की भी जाती है और धान की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ी करके प्रताड़ित किया जाता है, जबकि यह क्षेत्र धान का कटोरा है। अब देखना यह है कि संजय यादव सही हैं या किसान, यह तो वक्त ही तय करेगा। आइए आपको सुनाते हैं कृषक ब्रज बिहारी तिवारी की जीवनी। क्या समस्या होती है आप लोगों को? हम सब यहाँ किसान धान लेके आते हैं तो अधिकारी आकर के जबरन में उसकी गुणवत्ता कह देते हैं कि खराब है, ये है, नाजायज परेशान करते हैं, उसको वसूली कब लगता है, ऐसा करते कि वसूली करने आते हैं। कौन अधिकारी आते हैं? संजय यादव आते हैं, ज्यादातर जवाई चेकिंग करने आते हैं अपनी टीम लेकर। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम ब्रज बिहारी तिवारी। ब्रज बिहारी जी, आप ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि वो जो है वसूली करने के लिए आते? वसूली का चक्कर यही है कि बार बार आना क्या मतलब निकलता है, हमको तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ कहाँ से आया करते हैं ये? अब रीवा से वगैरह बताते हैं, ये टीम है इनकी। अच्छा, तो और लोग उनके साथ में रहते हैं या अकेले रहते हैं? दो चार लोग टीम में रहते ही हैं। हाँ, आप बताइए। डीएम नान डीएम नान की यहाँ से आते हैं। हाँ। अच्छा, और क्या कहते हैं आप लोगों को, किसानों को? गुणवत्ता विहीन है धान आपकी, ये नहीं ली जाएगी और नाजायज परेशानी करते। तो जो प्रमिश प्रबंधक लोग हैं उनको भी जो है वो मना करते होंगे? हाँ, उनका वो जबरन में परेशान करते हैं कि ये है खराब है, इनको मत ले, ये करो। देखने वाली बात यह होगी कि किसानों को न्याय कब मिलेगा या इंसान इसी तरह गुणवत्ता को लेकर प्रताड़ित होते रहेंगे। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।